पासपोर्ट और टिकट हाथ में रखिएगा। पासपोर्ट और टिकट हाथ में रख करके जब आप अंदर दिखाओगे उसके बाद सीधे सऊदी काउंटर पे आपको जाना है। ये दो चीज़ें आपको देनी है। आपके हाथ में जो हैंग कैरी है, जो सामान है, उसके अंदर अपना अहराम अभी डाल देना। अहराम अगर नहीं लोगे तो दमबाजी हो जाएगा सभी के लिए। अहराम आपने बांधना है रियाद के अंदर। रियाद के अंदर 3-4 घंटे का हॉल्ट है। वहाँ उतरने के बाद आपने अहराम पहनना है, लेकिन अहराम हाथ में होना चाहिए सभी के। जो अहराम पहनेंगे लोग उनको ध्यान रखना पैर जो है वो बंद ना हो, स्लीपर टाइप हो जिसके पैर खुला हो, ये खास करके ध्यान रखिए। और जब अहराम पहन ले, नियत कर ले, उसके बाद के अंदर किसी कोहू वाली चीज या साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, तो दमबाजी हो जाएगा। सभी लोग यहाँ से जो है पहले मक्का जाएंगे, 2 दिन मक्का रुकेंगे। ये लारेब ने बिल्कुल लोगों के बोलने पर ये कहा है कि भाई चलो 2 दिन एक उमरा करके वो लोग बाद में मदीना ले जाएंगे। ये पहले मदीना जाना था, लेकिन अब आपको लिया जा रहा है कि मक्का के लिए। तो जब आप यहाँ से सऊदी काउंटर पर पहुँचेंगे तो अपना जो हाथ का सामान है अपने हाथ से रखना, जो बैगेज जमा करना है उस बैगेज को जमा करवा लेना। साथ ही साथ जो पावर बैंक अगर किसी के पास पड़ा हुआ है, मोबाइल चार्ज करने वाला, वो हाथ में रखना। अगर वो अपना सामान जो अंदर डालेंगे उसमें रखेगा, वो बैग यहाँ से नहीं जाएगा। उसका खुशन ख्याल रखना, वो सामान आप कहीं अटक जाएगा। तो अगर किसी हाजी ने पावर बैंक बैग में रखा है वो हाथ में ले ले, और अहराम जिसके अंदर रखा है वो निकाल के अपने हाथ में ले ले। जब काउंटर पर पहुँचोगे तो आपको एक बोर्डिंग कार्ड दिया जाएगा, बोर्डिंग कार्ड जिसमें आपका सीट नंबर और गेट नंबर मौजूद होगा। उसके बाद में वो दिखाने के बाद में आपको अंदर छोड़ेगा सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी में आपकी जांच होगी, जांच के बाद आपका इन्विटेशन होगा जहाँ आपकी फ़ोटो ली जाएगी। फोटो ले जाने के बाद में सीधे आपने अंदर जाना है, क्योंकि आप काफ़ी लेट है अभी। अंदर जैसे पहुँचोगे फ्लाइट का जैसे ही बोली शुरू होता है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उम्र भाई वहाँ क्या है देख लेंगे, हम समझ लेंगे उसके लिए परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, जब यहाँ से बोर्डिंग कार्ड फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो कितने आप याद जाओगे, याद के अंदर आपका सारा सामान फ्री है, आया फ्लाइट है। उसके बाद आपको डोमेस्टिक फ्लाइट को दिखाया जाएगा, डोमेस्टिक के अंदर आपकी दूसरी फ्लाइट होगी, या फिर एक बार बोर्डिंग होगी। उसके बाद में आपका सिस्टम वगैरह नहीं होगा, सारा ईजी हो जाता है, बाद में परेशानी आपकी कम हो जाती है। वो सीधे जिद्दा या मदीना मिलता है, लेकिन रियाद वाले सऊदी का इसके अंदर आपको सामान रियाद में मिलेगा। जो आपने अपने हाथ से जितना सामान डाला है वो लेना पड़ेगा, फिर जब एक बार बुकिंग करानी होगी। इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और जब आप जिद्दा पहुंच जाए तो सभी लोग एक एक करके बाहर निकल करके एक जगह जमा हो जाए और उमर भाई का इंतजार करें। फिर उमर भाई आपको बाहर ले जाएंगे, बस के अंदर दिखाएंगे। 100 लोग हैं, यानी कि 2 अलग अलग बसें होंगी, वो आपको सीधे होटल ले जाएंगी। आप होटल जब पहुँचोगे फारिग होकर के और नाश्ता चाय पानी करके ग्रुप बना करके ग्रुप लीडर जो है साथ इंशाल्लाह आपको चलेगा। उनके वक्त के हिसाब से आप सारे लोग मिलिएगा, उमरा के लिए ले जाएंगे, आपको हरम दिखाएंगे। वहाँ बस सर्विस भी अवेलेबल है। साथ ही साथ वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें, क्योंकि अब रमज़ान 2 दिन बाद शुरू होगा, इस तारीख खाने का वक्त जो सारा चेंज हो जाएगा। तो 2 दिन और उसके बाद 4 से 1 महीना आप अगर वक्त की पाबंदी कर लिए, आप कोई भी गलतियों से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा काम करें। साथ ही साथ अगर कोई खाने में या किसी चीज़ में कभी गलती होती है, कोताही होती है, सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। हम इंसान हैं, गलती हो सकती है हमारे से, माफ़ कर दीजिएगा। दरबुदर करके ग्रुप लीडर को समझाइएगा कि क्या चीज़ों की कमी गलती करने से चीज़ें बेहतर हो सकती है। आप अल्लाह के घर के मेहमान हैं, हमारे मेहमान बाद में हैं, तो हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर आपको खिलाए, बेहतर से बेहतर आपको रखिए। अगर उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम होता है तो ग्रुप लीडर को बताइएगा, गाली गलौज मत करिएगा। बहुत बड़े मुकाम पे आप जा रहे हैं, और जो हाजी जा रहा है उसका खास करके ख्याल रखिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो हरम के अंदर निकाले, इबादत के अंदर गुजारें, शॉपिंग में बिल्कुल वक्त न निकालें। शॉपिंग के लिए बॉम्बे बहुत बड़ा है माशाल्लाह, जब चाहे आप कर सकते हैं। गुजरात बहुत बड़ा है, वहाँ शॉपिंग से ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि पता नहीं अब दोबारा हमको आने मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो वक्त है उसका बहुत इस्तेमाल करें, किसी दिन अपने लिए
लिए, अपने मोहल्लों के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआएं करें। और जो लोग अपने रिश्तेदारों से लड़ाई करके जा रहे हैं, अभी भी वक्त है उनसे बात करके माफ़ी मांग करके अपना उम्रा जो है वो सही कर लें। इसका बहुत बड़ा सभी लोग ख्याल रखें, साथ ही साथ अमीर जो कहे उसका एहतमाम करें। लेडीज़ के लिए अभी हमने ऐलान दिया है, वो अभी से पहन ले ताकि ग्रुप का कोई भी आदमी पहचान सके। लेडीज़ हमारे ग्रुप के लिए ऐलान वो अभी से पहन ले ताकि आसानी हो जाए उसके दायरे पीछे दिखता है। लेडीज़ को पहचानना या पूछना बड़ी परेशानी होती है हम लोगों के लिए, इसलिए उनको गुजारिश है कि वो सारे लोग ऐलान अभी से पहन ले। दूसरा, जो खाने का आपका रेस्टोरेंट होगा उसके अंदर आपसे ध्यान रखना है कि किसी मेहमान को अगर आपको बुलाना है तो ग्रुप लीडर को आप पहले बता दोगे, वो ग्रुप लीडर आपको चार्ज बता देगा। एक चीज़। दूसरा, होटल के कमरे में खाना ले जाने की ममानियत है। तीसरी बड़ी बात, वहाँ आपका कोई भी रिश्तेदार अगर आता है तो मिले, होटल में रुकने की ममानियत है। अगर कोई रुकेगा हम उसका पूरा चार्ज डबल लेंगे, फिर उसके लिए आप बोलना मत। या तो अगर कोई रिश्तेदार रुकना चाहता है जो रूम का रेट होगा वो पैसे भरे और चीज़ों को ख़त्म करे, वो उसके लिए रखा। और क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है खास करके, वहाँ आप लोग अब एक फैमिली है, इस फैमिली को एक दूसरे को जोड़ते हुए मिलिएगा। आपसे पहले भी शादी पहुँचे हैं, आपके बाद भी शादी आने वाले हैं, तो वहाँ पर अभी आप एक परिवार है, उस परिवार का हिस्सा बन के एक दूसरे को रहिएगा, एक दूसरे की मदद करिएगा, एक दूसरे को गर्मगर करिएगा। और जिसको पर मालूम ना हो, जो दीनदार लोग हैं, जो जानकार है, वो उसके लिए सवाब कमाएँ। और साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल हमने बताया है, जिसको सब्सक्राइब किया है वो कर ले, लारे फूल से ट्रैवल, उसने हज और उमरा का मुकम्मल तरीका दिया है। आप लोग जाओगे तो लिखना है वो सीनियर साथी मुकम्मल तरीका आपके चैनल पर खास तौर पर आएगा। बाकी किसी को कोई सवाल है तो मुझसे कर सकते हैं। और लौटते वक्त जो सबसे बड़ा ध्यान रखते हैं कि हाजी छोटे छोटे डब्बे भर के पानी जमा करता है और बैग में डालता है, वो मत करिएगा। क्योंकि आप जब बैग में डालोगे पानी रहेगा आपका बैग, वो अच्छा रहेगा। कभी चार दिन बाद आएगा, कभी आठ दिन बाद आएगा, पानी ज़्यादा फूल देता है। तो इसलिए वो गलती कोई मत करना, मैं अभी भी सब लोगों को गुजारिश करता हूँ। ठीक है, किसी की कोई सवाल भाई साहब? लेडीज पहन लो, जरा आराम करना पड़ेगा, पहले तो दिखाना पड़ता है। Thank you.
everybody duaon ka wo maqamat jahan par mere habib sallallahu alaihi wasallam ne duaon ke qubool hone ke allah qubool hone ke bare mein bataya hai allah un tamam jagahon par hamari ki jaane wali tamam duaon ko qubool farma allah tamam duaon ko qubool farma allah hamari haj aur umre ko hamari zindagi ke liye allah hamari zindagi ke liye hidayat ka zariya bana hidayat ka zariya bana allah پیچھے چھوڑے جانے والے رشتے داروں کا اللہ تو حافظ و حفیظ بن جا اللہ تو ان کا وکیل بن جا اللہ ہمارا بھی وکیل بن جا اللہ پھر اخیر میں دعا مانگتے ہیں اللہ بآفیت تیرے حرم اللہ تیرے در در پر پہنچانے کی کوشش ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالیٰ علیہ No, take off. No. वही 158 में ना C14 में मेरा है यानी इसके अंदर ही C14 है लेकिन यार मैं रहता नहीं मैं भाड़े पे दिया हूँ सबू भाई ना अरे मेरे खोज हाल मंगला यार घर का काम करवाया ना उसमें साढ़े 4 लाख का खर्चा करवाया भाड़ू छोड़ा है मुझे चलो कि मिलते भाई ना